Hi, good morning, everyone. Welcome to the Daily Newspaper Analysis. Today is 9th of March, Tuesday. Good morning to all of you. I hope sab log theek hai, aap log badhiya hai. So, ek baar fatafat share kar dein. That sir is live and we'll start with the class in just 2 minutes. Just give me a minute. Good morning, all of you. Good morning. So, आज के पेपर में editorials were not that great. दो एक अफगानिस्तान पे था in the Hindu. उसके अलावा one was in the Indian Express. That was India-US relation. Kind of related ही Afghanistan-US, India-US. It's all interrelated. तो दोनों article मैंने ले लिए हैं आज के आपके newspaper analysis के लिए. बाकी तो mostly we have news. जो न्यूज आइटम्स है सो एडिटोरियल फटाफट डिस्कस करेंगे वाले उसके बाद विल मूव ऑन टू द न्यूज आइटम्स ओके सो आई वाज एक्चुअली 2 मिनट मुझे लगेंगे बस आई वाज सर्चिंग फॉर दिस ब्यूटीफुल कोट टुडे मैंने इसको कल पढ़ा था तो आई थॉट कि आई विल शो दिस टू ऑल ऑफ यू And it's a very relevant quote for the present times and how we all are mostly and what we look for in, you know, and doing something else instead of doing, you know, we should be doing something else and do something else. So better start with the class now. Okay. So 9 March का analysis है ये. So first thing that is the daily motivation quote. So most of us actually we get caught up too much in the shine, limelight, glitz, glamour. ठीक है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा selection के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा. But not enough on putting the hard work. So the work always remember is the foundation of everything. You know on what everything else will stand on. And this goes out to a lot of people who are already selected also. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो सिविल सर्विस में आ गए हैं सेलेक्ट हो गए यंग जनरेशन एंड फर्स्ट थिंग दे वांट इज लाइमलाइट लाइमलाइट इज गुड देयर इज नो हार्म इन इट इट शुड बी यूटिलाइज उसको ना अच्छे तरीके से अगर आप यूज करो तो बहुत अच्छी बात है बट अगर सिर्फ वही मेन चीज रह जाएगी और काम नहीं होगा तब नहीं हो सकता ये सब लगे के लिए एप्लीकेबल है चाहे वो आप अभी तैयारी कर रहे हो या फिर आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद की बात है हमेशा हमेशा आपका जो हार्डवर्क है या जो भी आप काम कर रहे हो वो हमेशा फाउंडेशन होगा आप कुछ भी जो बाकी चीज़ें स्टैंड करेंगे अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा उसके अलावा सो वो चीज़ जो है इस जो हमेशा जो है वो आपकी वो स्टैंड आउट करेगी तो इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी आई जस्ट हैड अ डेटा कल एक इंस्टाग्राम पेज पे किसी ने शेयर किया था आई थॉट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू दिस इज द वैकेंसी अगर आप देखोगे वैकेंसीज हैं लास्ट लगभग 2011 से लेके 2019 से लेके 2021 तक की सो 880 थी फिर सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे वैकेंसी थी 2014 में 1364 2015 में भी ठीक थी 1164 वैकेंसीज थी एक्चुअली मैं 3 साल आप कह सकते हो बहुत अच्छे थे 2014 से लेके 2016 मैक्सिमम वैकेंसीज थी यूपीएससी में
17 में 980 हो गई, फिर 782 सडनली डिप कर गया, फिर 2019 में थोड़ी बढ़ी, बट फिर 2020 में 796 है, अभी 712 वैकेंसीज है। तो अभी आपकी वैकेंसी थोड़ी कम हो गई है। अब इस डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे कि वैकेंसीज क्यों कम हो रही हैं, वो एक अलग ही दिन का अलग डिबेट है, बट यू नो विल डिस्कस दैट सम टाइम लेटर। बट हाँ, ये बोल सकता हूँ कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एट द टॉप, और अभी काफ़ी सारे जो हैं आप देखोगे सरकार भी कोशिश कर रही है कि स्ट्रीमलाइन कर सकें। एक एक्सेसिव लोगों को भी रिक्रूट कर लिया गया था, तो वो तो है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि देर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज, इन द सेंस कि डिमांड है, ठीक है, डिमांड है, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग 1100 के आसपास आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेजेस हैं, मोर देन 1500 आईपीएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है, पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई है, इनको फिलअप नहीं किया जा रहा है। अब सरकार की आप कॉस्ट कटिंग भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, एक चीज तो है ही। चलिए एनीवे, बाकी इस मंथ काफी सारे इंटरेस्टिंग स्पेशल क्लासेस लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। मैं एक मैंने सोचा है कि एंशियंट इंडिया का रिविजन सीरीज भी लेके आऊंगा, सो एंशियंट इंडिया का क्विक कैप्सूल टाइप होगा, ताकि आप लोग के जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। सो मे बी दैट ऑल्सो विल स्टार्ट दिस मंथ। पॉलिटी का जो कोर्स है वो 17 मार्च से आएगा, क्योंकि एक नया बैच लॉन्च हो रहा है उस दिन, ये आज से चालू हो जाएगा। 6:30 PM इज द क्लास, एज आई टोल्ड यू दैट सोशोलॉजी पेपर 2 स्टार्टिंग, सो टुडे 6:30 PM से स्टार्ट हो रहा है। कोर टॉपिक्स विल बी अराउंड 22nd of March। IR का भी बाद में कोर्स आएगा अराउंड मार्च एंड में। बाकी ये MCQ सीरीज के लिए जिन्होंने इनरोल नहीं किया था, कल क्लास नहीं हो पाई थी तो आज लेंगे इसको। इकोनॉमी की आज क्लास है, MCQ ऑन पॉलिटी इज टुमारो। सो इकोनॉमी का बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक के जितने भी आप सोच सकते हैं टॉपिक्स पे, हम लोग एक MCQ फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग को थोड़ी क्लैरिटी मिले टॉपिक्स में, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। बाकी जो लोग बुक के बारे में पूछ रहे हैं, येस द बुक इज आउट, यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू ऑर्डर द बुक फ्रॉम Amazon, इट्स ऑन प्री ऑर्डर राइट नाउ, और लगभग आप देखेंगे कि 350 की प्राइस है, बट प्री ऑर्डर ऑफर है, तो इसलिए अभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगी बाय 269। एंड द बुक इज गोइंग टू बी लॉन्च ऑन 22nd of March, आप लोगों के हाथ में बुक होगी प्रॉबेबली बाई 24th of March, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस दैट यू लिव इन, और या फिर आप Amazon पे जाके इंटरनेशनल रिलेशन दिपांशु सिंह सर्च कर लीजिए, आपको बुक मिल जाएगी। उसके अलावा देर आर सम बैचेस विच आर स्टार्टिंग 10th को, दैट इज टुमारो, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। बाइलिंगुअल कोर्सेज हैं जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा देर इज अ बैच विच इज़ ऑन इंग्लिश ओनली, मेरा जो है वो बाइलिंगुअल बैच है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। देन देर इज अ 2 ईयर्स बैच कोर्स फॉर 2023 ऑल्सो। सो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज द कोड DPSLIFE एंड देन यू कैन मैसेज मी ऑन DSingh27, दिस इज द टेलीग्राम ID। मेरे को अगर आप मैसेज कर रहे हो इन केस नहीं रिप्लाई आ पाया, जस्ट इन केस टीम दीपांशु पे कर सकते हो आप मैसेज, ठीक है, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं द कॉन्टूर्स ऑफ द एंड गेम इन अफगानिस्तान। दिस आर्टिकल विल बी लिंक्ड टू द आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस। ये बता रहा है बाइडेन साहब के बारे में कि इंडिया US रिलेशन के ऊपर है ये, इंडो US रिलेशन, और ये वाला जो है दिस इज अबाउट द US स्ट्रैटेजी इन अफगानिस्तान, तो उसके बारे में बात करेंगे। ग्रेट, आई एम रियली ग्लैड टू सी यू नो सच एंथुजियाज्म अबाउट द बुक, रियली रियली हैप्पी। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर करिए, उनको भी बोलिए कि तुम भी बुक पढ़ो, सब लोग बोलोगे, सब लोगों को क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो लोगों को पता कम होता है और कमेंटिंग ज़्यादा करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो एवरीबडी शुड नो अबाउट एक्ट ईस्ट लुक वेस्ट, इन सब पॉलिसीज के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो मेजरली आर्टिकल में ऐसा कुछ खास नया नहीं है, दोनों ही आर्टिकल में अगर मैं बताऊँ, इट्स सॉर्ट ऑफ समराइजेशन ऑफ वॉट वी ऑलरेडी नो, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें देख सकते हो कि आप नोट कर सकते हैं हम लोग कि फ्यूचर में क्या दिख रहा है इस सिचुएशन के बारे में। तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे उन्होंने दोहा अग्रीमेंट साइन किया था। दोहा अग्रीमेंट वॉज बिटवीन तालिबान एंड US की एक पीसफुल अग्रीमेंट रीच करेगा तालिबान और एक ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाएगा। पावर शेयरिंग बेसिकली होगी अफगानिस्तान में बिटवीन तालिबान एंड द गवर्नमेंट।
अब उसको हो चुके एक साल हो चुका है लेकिन अभी कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस से चले गए हैं, बाइडेन साहब ऑफिस में आ गए हैं। अब यूएस उसको रिव्यू कर रहा है कि कैसे कर रहे हैं, बट यूएस का इस समय एजेंडा जो है वो है ये है कि हमें किसी भी तरीके से करके 1 मई तक कोशिश ये कर रहे हैं कि यूएस ट्रूप्स पुल आउट कर लें। आप सभी को बताया अगर यूएस ट्रूप पुल आउट कर देंगे सडनली इट विल क्रिएट अ ह्यूज पावर वैक्यूम, फिर वहां पे वही होगा जो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि एक पीसफुल अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट जो हर पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल हो, उसको करा के लोग बाहर निकले। बट ये इतना ईजी नहीं है, इतने टाइम से चल रहा है, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि सबको साथ में कराया जाए। अर्पित अमेजोन पे जिसको भी बुक के बारे में पूछ रहे हैं, आप लोग अमेजोन पे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस दीपांशु सिंह टाइप करिए, आपको बुक मिल जाएगी। अभी अमेजोन पे अवेलेबल है, कुछ टाइम पे फ्लिपकार्ट पे भी आ जाएगी। सो इनका इंटेंशन है दे वांट टू फुली विड्रॉ बाय मई 1। इसी वजह से आपने देखा होगा कल हमने डिस्कस किया था जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, ही वॉज टॉकिंग टू खलीलजाद साहब, ठीक है, जलमे खलीलजाद जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगान रिकन्सिलेशन प्रोसेस के, और इंडिया भी बात करा अफगानिस्तान से। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, देखो 3-4 इसमें चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है या फिर समझना है। ये जो अफगानिस्तान का क्वैगमायर बोलते हैं उसको, ठीक है, एक तरीके का दलदल हो गया ये। अफगानिस्तान में प्लेयर्स कौन कौन से हैं? यूएस हैं क्योंकि दे इन्वेडेड, ठीक है, तालिबान की वजह से। अब तालिबान है, वहाँ की गवर्नमेंट है, मेन प्लेयर यहाँ पे अब पाकिस्तान है बिकॉज वही जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया का एज सच कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बस इंडिया के साथ रिलेशंस बड़े अच्छे हैं इनके, तो इस वजह से अफगानिस्तान चाहता है कि इंडिया रहे इसमें, क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छे हैं, हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे, उनके हमेशा हम सपोर्ट करते रहते हैं। उसके अलावा रशिया ऑन द आउटसाइड, मतलब हिस्टोरिकली रशिया तो था ही यहाँ पे, और अफगानिस्तान और का जो इशू स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान की अगर हम लड़ाई की बात करें, सो मेजरली तालिबान को पावर करने का काम जो था वो आपका यूएस का ही था, बिकॉज सोवियत्स को बाहर निकालना था, तो तालिबान को पैसा देना, वेपन्स देना, ये सारा काम किसका था? ये यूएस का करा रहा है। मेन प्लेयर यहां पे पाकिस्तान है, ये यूएस भी जानता है। यूएस के लिए एक्चुअली में पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट देन अफगानिस्तान। कैन एनीवन टेल मी कि यूएस के लिए पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है देन अफगानिस्तान? देर आर 2-3 रीजन फॉर इट। बताओ जरा कॉमेंट में, वाई डू थिंक दैट यूएस के लिए पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट देन अफगानिस्तान? बताओ। Because of Taliban and see, majorly Pakistan पहले तो nuclear state है, ठीक है, और इनके डायरेक्ट टाइज हैं अलकायदा के साथ, सबको पता है, ये हर कोई जानता है कि अलकायदा और जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके टाइज हैं। तालिबान को वेपन सप्लाई करना आज के टाइम पे किसका काम है? पाकिस्तान का। एक बार पाकिस्तान ने सप्लाई करना बंद कर दिया, तालिबान उसी समय क्रम्बल कर जाएगा। तो यूएस को पता है कि अगर तालिबान को हराना है या तालिबान को कंट्रोल करना है तो उसके लिए पाकिस्तान को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान इज द मेन प्लेयर यहाँ पे, और ये पाकिस्तान भी जानता है, उसी का तो फायदा उठाते हैं लोग चीज। बट इंडिया के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इंडिया को जो है स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा साथ साथ, लेकिन इंगेजमेंट और बढ़ाना पड़ेगा। सो इंडिया विल हैव टू स्टार्ट इंगेजिंग मोर बिकॉज ऑफ द कल्चरल कनेक्ट बिटवीन इंडिया अफगानिस्तान, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव हैड हिस्टोरिकल रिलेशन, और वी वॉन्ट अ स्टेबल साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया को भी इन्वॉल्व किया जाए इसमें। तो मेन इशू यही है कि यूएस को भी पता है कि पाकिस्तान के बिना हो नहीं पाएगा, इस वजह से उनको झेल रहे हैं और कुछ नहीं है।
तो अब ये देखो, जलमे खलील साहब, जो खलीलजाद साहब हैं, ठीक है, ही इज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अफगानिस्तान रिकनसिलेशन प्रोसेस. तो अभी भी ये जो है बात कर रहे हैं, एंड द यूएस मेंटेन्स दैट द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अबाउट अ जस्ट एंड अ ड्यूरेबल पीस थ्रू पोलिटिकल नेगोशिएशन इन अ मैनर दैट अफगानिस्तान रिमेन्स यूनाइटेड, सॉवरिन एंड डेमोक्रेटिक. अब प्रॉब्लम ये कि इट कैन नॉट डिसंगेज विद अफगानिस्तान इफ दैट इज इट्स प्रायोरिटी विदाउट एक्सेप्टिंग पाकिस्तान टर्म. और दीज वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अफगान पेट्रियट्स हु वांट फ्रीडम ऑफ अफगानिस्तान टू चूज इट्स पॉलिटिकल डायरेक्शन. तो दिक्कत ये है कि पाकिस्तान को बिना कॉन्फिडेंस पे लिए कर नहीं सकते, क्योंकि तालिबान मानेगा नहीं, और अफगानिस्तान सरकार चाहती नहीं कि पाकिस्तान को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है. तो अगर ट्रेनिंग, कॉम्बैट सपोर्ट या सप्लाई वेपन रोक दी जाए तालिबान को, तो तालिबान कैन बी ऑन इट्स नीज. और ये कौन देता है? पाकिस्तान देता है. और यूएस को ये पता है ये चीज़ कि हम ये करवाना पड़ेगा, लेकिन इतना इजी है नहीं, पाकिस्तान मानेगा नहीं. अब रोड मैप ये है कि जो ये कोशिश कर रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जो है शेयर गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में तालिबान को दिया जाए अलॉन्ग विद दी अदर पार्टी, और ये जो क्विड प्रो को वाला सिचुएशन बनाया जाए कि वो जो एक परमानेंट सीज फायर साइन कर दे तालिबान, और उसके बदले में यूएस ने बोला है कि आप 50% रिजर्वेशन ले लो अपनी गवर्नमेंट में. सो एज अ प्रिल्यूड टू दैट, द यूएस हैज प्रपोज टू तालिबान टू रिड्यूस वायलेंस फॉर 3 months इंटेंडेड टू हेड द तालिबान थ्रेटनिंग स्प्रिंग, यू नो, स्प्रिंग ऑफेंसिव. तो इसको उन्होंने बोला कि अगर आपको एक करना है, उसके लिए आपको पहले 3 महीने, जो आने वाले मई, जैसे अभी मार्च अप्रैल में, उन्होंने बोला 3 महीने तक आप क्या करो, पहले तो वायलेंस कम करो, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में. क्योंकि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में इसको होल्ड लगा दिया था बिकॉज ऑफ द वायलेंस दैट वाज हैपनिंग इन अफगानिस्तान. अब इसको लेके, अग्रीमेंट को लेके अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग दावे हैं. अब जैसे रशिया ने बोला कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, हम यहाँ बात कर लेंगे, मॉस्को को बोला ऑल्टरनेट वेन्यू बना लो. उसके बाद यूएन ने बोला कि हम कन्वीन कर रहे हैं, इंस्टेड द यूएन इज बीइंग आस्क्ड टू कन्वीन विद टर्की, बीइंग आस्क्ड टू होस्ट अ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स और एनवॉयज फ्रॉम चाइना, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान. सो अलग अलग जगह अलग अलग गेम चल रहा है. सरकार जो मिस्टर गनी है, ही इज बीइंग एनकरेज्ड टू वर्क क्लोजली विद अ ब्रॉड कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर विच द कोर लीडर्स आइडेंटिफाइड आर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, फॉर्मर प्रेसिडेंट करजाई, जो हामिद करजाई साहब है, पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अफगानिस्तान के, मुजाहिदीन कमांडर हैं एक प्रोफेसर अब्दुल रसूल सयाफ. मेन इज कि सारे लोग टेबल पर बैठ के एक बात कर लें, डिसाइड कर लें कैसे करना है, और ताकि इस प्रोसेस को पीसफुली किया जा सके. अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का उतना इन्वॉल्वमेंट टॉक्स में नहीं रहा जब ये दोहा अग्रीमेंट साइन हो रहा था. आपको पता है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. तालिबान के साथ डायरेक्ट हमारी बातचीत होती नहीं, लेकिन अब हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि तालिबान का एंगल जो है सीधे लश्करे तोयबा, अलकायदा से जुड़ा हुआ है. और वो लोग क्या है कि तालिबान को अगर हमने नहीं लिया कॉन्फिडेंस में, तो तालिबान कैन सपोर्ट लश्करे तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसे ग्रुप्स को बाई इंक्रीजिंग मोर टेररिस्ट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन. सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट नाउ वी शुड डायरेक्टली इंगेज. द वर्ड दैट इज यूज्ड इज कि इंडिया शुड डायरेक्टली इंगेज विद दोज लीडर्स ऑन द ग्राउंड हु विल डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द पीस प्रोसेस. अब पीछे बैठ के नहीं होगा, सेकंड चेयर पे बैठने से नहीं होगा कि हाँ ठीक है देख लेंगे. पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो इतना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, बट क्या कर सकते हैं, हमारा है इन्वॉल्वमेंट. अफगानिस्तान सरकार चाहती है, लोग चाहते हैं वहाँ के. देर इज अ लॉट ऑफ गुडविल, देर इज अ लॉट ऑफ लव बिटवीन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इन इंडिया. मतलब वहाँ के लोग आर फैंस ऑफ इंडियन मूवीज एंड क्रिकेट एंड एवरीथिंग एंड फूड एंड एवरीथिंग. तो अगर अमेरिकन प्लान देखें, वो कोशिश कर रहे हैं कि वायलेंस में कमी आए, एंड अगर यूएस पुल आउट करता है विदाउट एनी सब्सटैंटिव अग्रीमेंट, तो बहुत कह सकते हो इशू हो सकते हैं, बहुत इशूज बढ़ सकते हैं, एंड प्रॉबेबली तालिबान फिर से कब्जा कर ले पूरे एरिया पर, और फिर इट कैन गेट इन टू अ इंटरनल सिविल वॉर एंड ब्लडी सिविल वॉर. सो इंडिया को और ईरान को भी आगे आना पड़ेगा, ईरान को भी लेना पड़ेगा, बिकॉज ईरान की बात सुनते हैं इन लोग. सो इसलिए यू नीड टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स. अब इसी से लिंक जो आर्टिकल है वो है आपका इंडो यूएस रिलेशंस को लेके. अब ये आर्टिकल बता रहा है कि जो बाइडेन के बारे में सोचा जा रहा था कि बाइडेन आ गए हैं तो वो इंडिया पे ध्यान नहीं देंगे और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सीए को लेके ये हो जाएगा. अब आप लोग याद रखिए कि मैंने जब इलेक्शंस जीते थे बाइडेन ने, तो मैंने बोला था थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको लगेगा कि स्लो डाउन हुआ है रिलेशंस में, बट ऐसा रियलिटी में होगा नहीं. क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था, बाइडेन इज़ नॉट न्यू टू पॉलिटिक्स. वो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, एंड ही हैज़ सीन हाउ पीपल वर्क. कांग्रेस में भी रह चुके हैं. और जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हो, उसके पहले और उसकी बाद की चीज़ें बहुत अलग होती हैं.
प्रेसिडेंट बनने के बाद CIA, ठीक है, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस एक्सपर्ट्स, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, ये सब गाइड करते हैं कि भाई कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सनल कुछ भी हो चीजें, इक्वेशन किसी कंट्री के साथ, बट इट्स अल्टीमेटली योर कंट्रीज रिलेशन विद अदर कंट्रीज रिलेशन। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो सबसे बड़ी चीज हुई है जिस वजह से आर्टिकल लिखा गया है, क्वाड की मीटिंग बुला ली गई है। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है सबके लिए, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि क्वाड को इतना इंपॉर्टेंस मिलेगा बाइडेन के तुरंत आने के बाद। सो क्वाड की मीटिंग होने वाली है, लोगों ने सोचा कि शायद चाइना के साथ यूएस जो है, जो बाइडेन के अंदर, दे विल ट्राई टू यू नो क्रिएट, प्रॉबेबली उसको सिचुएशन को ठीक करेंगे। गाइस जस्ट जस्ट अ सेकंड ना, मम्मी का कॉल आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है, सो एक्चुअली आज नानी की तेरहवीं है, सो आई हैव टू गो देयर आफ्टर दिस क्लास, सो माय मॉम वाज कॉलिंग एनीवे। सो तो इनको पता है कि क्या करना है, दे नो कि इंडिया को ऐसे साइडलाइन तो नहीं कर सकते, कैसे साइडलाइन कर दोगे फॉर दीज इश्यूज, और इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी, उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है, इट्स लाइक अ क्विड प्रो को। ब्लिंकन एज यू नो करेक्टली इज एन अकेडमिक पर्सन, उनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दे नो इट ऑल। तो लोग बोलते थे अरे कि मोदी जी ने बड़ी मिस्टेक कर दी है, इन्होंने ट्रंप के साथ ज़्यादा दोस्ती बढ़ा दी है, देखना बाइडन चिढ़ जाएंगे, बाइडन ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इनफैक्ट करेक्टली, सो आपने देखा होगा इंडियन, उन्होंने बोला कि इंडियन अमेरिकन आर टेकिंग ओवर द कंट्री, मतलब ही प्रेज्ड इंडियन अमेरिकन, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, NRIs, APIOs जो हैं, वो पूरे US में जितनी इंपॉर्टेंट पोजिशन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, यू नो CEOs हो, सब लोगों ने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया है। सो अब वो जो की टीम है बाइडन की, करेक्ट चीज़ है कि उसमें एक्सपीरियंस हो, बड़े सीजन लोग हैं और वो जानते हैं कैसे काम करवाना है, और बाइडन भी काफ़ी टाइम रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि ही डज नॉट नो, ही प्रेसिडेंट हैं, कुछ तो उनको आपको वैल्यू देनी पड़ेगी ना, सो ही नोज कि कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है। अब वो उनके कंपल्शन है, वो चीज़ अलग है। सो नो स्टेट, नॉट इवन अ रेवोल्यूशनरी वन, कैन रन इट्स फॉरन पॉलिसी ऑन अ सिंगल पॉइंट एजेंडा। तो ये भी नहीं कर सकते कि भाई अच्छा CA कर दिया, कश्मीर में 370 हटा दिया, तो हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। So Biden in fact has signaled more continuity than the discontinuity when Trump's China policy was there. So he affirmed the continuing commitment to the Indo-Pacific and the Quad. The foreign ministers of the Quad were quick to convene digitally and the summit appears at a natural next step. So pehle to meeting digitally ho hi chuki thi, ab jo hai summit hone wala hai Quad ministers ka. So इंडिया यूएस रिलेशन अगर आप देखोगे तो हमेशा से अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पर रहे हैं ओवर द लास्ट 3 decades, और जब बाइडन आए ऑफिस में उन्होंने भी चीज़ रियलाइज करी कि इंडिया के साथ इतना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ चुका है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो किसी भी फॉरेन पॉलिसी मैटर में हो, कि इंडिया के साथ काम करना ही पड़ेगा मिलकर, बिकॉज US इज नाउ इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर। अब ये जो पैराग्राफ ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारा इंडिया US का रिलेशन कैसा है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। So India US is the most comprehensive relationship right now. The Russian relationship is long on defense, but trade mein kuch zyada khas hai hi nahi. So Russia is more on defense as on trade. Same is with Israel. Israel ke saath kya hai? Israel to khair chalo theek hai, Israel is a major partner. Israel ka koi itna issue hota nahi hai. Defense and agriculture and science and technology. China ke saath kya hai? China ke saath commercial policies bahut strong hai. But wo China ke favor mein hai. Tilted heavily in Beijing's favor. Meanwhile, Delhi's political trust in Beijing has evaporated after Galwan aur jo recent cheeze hui. Europe kya hai? Europe ek collective economic power hai. Lekin security ke mamle mein phus hai. Theek hai, security ke mamle mein agar hum unko bole ki European country support karne aa jao to nahi aayenge. France ko chhod dein agar hum to. France ya probably UK to nahi keh sakta main. France ko agar bol dein, France aa jayega.
सो एवरी अदर कंट्री है आइदर इज गुड इन इकोनॉमिक टर्म्स और इट इज गुड इन डिफेंस टर्म, ऐसा कोई नहीं है जो कंबाइंड हो. इकलौती कंट्री है यूएस इस समय. दैट इज वाई द रिलेशंस आर डिफरेंट. नाउ यू नो वाई माय बुक का कवर हैड इंडिया एंड यूएस फ्लैग्स. लोगों को लगा होगा शायद ये इंडिया यूएस रिलेशनशिप पे बुक है. सो इंडिया यूएस फ्लैग पीछे आपने कवर पे अगर देखा होगा कोरोना वायरस का बना हुआ है. सो इंडिया यूएस आर गोइंग टू रीडिफाइन द नेक्स्ट डेकेड. यूएस वापस से पोजीशन अपनी गेन करेगा. चाइना तो खैर है बट चाइना को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. ठीक है, चाइना को हम लोग को टैप करके रखना है क्योंकि यूएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया राइट नाउ कंसिडरिंग द काइंड ऑफ एंगेजमेंट दैट वी हैव, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो चाहे वो डिफेंस एस्पेक्ट में हो. सो अब जैसे ऑफिशियल्स इन दिल्ली हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दी यू नो लेगेसी ऑफ एंटी अमेरिकनिज्म. पहले लोगों को ना थोड़ा कंसर्न रहता था कि अमेरिका अमेरिका ऐसा है. सो दिल्ली स्टिल्टेड डिबेट ऑन द यूएस अनफॉर्चुनेटली रीइंफोर्स्ड बाय द सैड एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंस्टीट्यूशनल केपेबिलिटीज टू स्टडी अमेरिकन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन. तो बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स है दिल्ली में लगता था कि अरे पता नहीं क्या है यूएस के साथ चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बाइडन आ गए ये आ गए वो आ गए, बट एज ऑफ नाउ ऐसा तो कुछ नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ होगी. अब प्रीवियस गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में आप देखोगे जैसे जो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन से उस एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर हम उतना प्रेशर डाल नहीं पाए ताकि वो रोल बैक कर पाए हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगा दिए थे आफ्टर दी पोखरान टेस्ट. बट बाद में जो था सिविल न्यूक्लियर डील साइल की गई 1-2-3 डील्स को बोलते हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत वेवर मिला. और इनफैक्ट यूएस ने तो अब इंडिया का रोल रिकग्नाइज कर दिया है इंडो पैसिफिक में कि इंडो पैसिफिक में इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल. एंड वन इज द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज मटीरियल केपेबिलिटीज. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. इंडिया का अगर आप एग्रीगेट जीडीपी देखोगे इंक्रीज 10-fold बिटवीन 1990 टू ऑलमोस्ट 2020. तो इतनी बड़ी जीडीपी, इतनी बड़े मार्केट, इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, कैसे नहीं बात करेंगे, उनको करना पड़ेगा. एक्चुअली में यूएस को ज्यादा जरूरत है हमारी, हमें भी है, वी कांट डिनाई दैट, बट यूएस नीड्स अस मोर देन वी नीड देम. रियली इट्स अ फैक्ट अभी के टाइम पे क्योंकि लिमिटेड पार्टनर्स है अभी उनके पास. यूरोप टूटा हुआ है, शैटर्ड है. अभी जर्मनी को जोड़ा फेवर मिल जाए तो वो रशिया के साथ चला जाएगा. लवलानी का इशू कर आप हटा दो. आधे ज्यादा कंट्री यूरोप के चाहते हैं कि हम रशिया के साथ काम करें, यूएस के प्रेशर में नहीं करना चाहते. सो यूरोप फ्रेगमेंटेड है. मिडिल ईस्ट का आपको हाल पता ही है. बच्चा साउथ एशिया, चाइना एंटी यूएस, ठीक है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यही तो कंट्रीज बचे, तो किसके साथ करेंगे बात. So the India government in power since 2014 had the political will to build on the US initiatives launched by UPA government. The new India no longer riding on the hands on the dealing with the US. It relishes the large room for strategic bargaining with America. Even more important, Delhi is no longer a reluctant partner to Washington. चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हो. देखो हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ खटखट तो रहेगी, ऐसा तो नहीं परफेक्ट रहेगा, किसी का नहीं रहता. So that is the case with here also, and every country has their own apprehension about foreign policies. ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल थे, इसका माइंड मैप टीम आपको शेयर कर देगी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ न्यूज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा है 50% कैप ऑन कोटा. ये आपको पता होगा वेरी फेमस इंदिरा साहनी केस. तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, अब वो बैठ के डिस्कस कर रही है क्या ये जो लक्ष्मण रेखा है 50% की उसको ब्रीच किया जा सकता है या अलाउ कर सकते हैं. तमिलनाडु में एक्चुअली ये एप्लीकेबल है, उसको लेके वो केस पेंडिंग चल रहा है जिस वजह से काफी इशू उठ रहा है. सो 1992 में एक 9 जज की बेंच थी. ऑन द कोर्ट हैड ड्रॉन दिस लक्ष्मण रेखा फॉर रिजर्वेशन जॉब्स एंड एजुकेशन 50% एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. तो अब ये क्या है, महाराष्ट्र में मराठा कोटा और तमिलनाडु में कोटा उन्होंने कर दिया है कि ऑलमोस्ट वो 60% से ज्यादा चला गया रिजर्वेशन. तो अभी मराठा कोटा को लेकर ये पिटिशन हियर की जा रही है, तमिलनाडु को भी क्लब करेंगे उससे. So the Maharashtra State Reservation for Socially Educationally Backward Classes Act of 2018, which provides 12-13% quota benefits for the Marathi community, thus taking the reservation across the 50% mark, जो कि challenge किया गया है. तो इंदिरा साहनी केस है ये, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको. इंदिरा साहनी केस लास्ट में आपको बताऊंगा. इसने ये लक्ष्मण रेखा बनाई थी कि 50% के ऊपर कोटा रिजर्वेशन नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस. बाकी यूपा के अंदर जो लोग अक्विट हुए हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए बोला गया है. सो अ लोकल कोर्ट इन सूरत, उन्होंने लगभग 122 लोगों को अक्विट कर दिया यूपा में, एंड दे वर बेसिकली इन्वॉल्व विथ दिस. उनको बोला गया कि यू नो दे वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस
members of the Student Islamic Movement of India, which was a banned outfit. So, jo kuch accused the they were on, and also the activists from the minority community demanded that they may be compensated for being illegally framed by the police. तो यूपा में आपको बताया ट्रायल वायल जल्दी होता नहीं है, तो यूपा में बंद कर दिया, तो जेल में बंद थे, ट्रायल हुआ नहीं, तो कोर्ट ने बोला कि अब एविडेंस मिला नहीं, आपने ज़बरदस्ती बंद किया हुआ था, तो अब उनको अक्विटल के बाद आप कॉम्पनसेशन दो. सो यूपा एज यू नो इज रिसेंटली अमेंड किया गया था 2019 में, तो पहले पोटा मकोका ये सब हुआ करता था, उसको रिपील करके बनाया गया है. सो इट एम्स एट इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड एसोसिएशन इन इंडिया. इसमें किसी को भी आप टेररिस्ट क्लेम कर सकते हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम कर सकते हो, ट्रायल होता नहीं जल्दी इसमें, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें क्या करती है कि चार्जशीट एक 180 डेज तक फाइल कर सकती है, तो आप 180 दिन मतलब 6 महीने तक आप जेल में रह सकते हो, तब तक उन एजेंसी के पास टाइम है, एक्सेप्शन में उनको टाइम बढ़ाया जा सकता है. इसमें डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट के भी प्रोविजन आपके मेंशन किए गए हैं. बाकी इंडिया बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु फ्रेंडशिप ब्रिज जो है इट विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 9th March वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो ये जो मैत्री सेतु है ये त्रिपुरा का प्रोजेक्ट है, त्रिपुरा से कनेक्टिविटी है बांग्लादेश की, और ये फेनी रिवर पे बना हुआ. फेनी रिवर एक्चुअली में नेचुरल बॉर्डर बनाती है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. सो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में फेनी नदी जो है इट रन्स बॉर्डर, तो उस पर यह ब्रिज बनाया गया. सो इसको मैत्री ब्रिज नाम दिया गया. इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखिएगा, मैपिंग में शायद सवाल आ सकता है. टोटल कॉस्ट इज अराउंड 133 करोड़ ऑफ द ब्रिज. सो तेलंगाना टू रेस 1050 करोड़ वायर सेल ऑफ सिक्योरिटी. सो तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लगभग 1050 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेंगे बाय थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू मीट इट्स इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. So the government did not offer the green shoe option. So far it has been doing for the past couple of months, but the tenure of the loan remained 30 years. So the auction is ko e-kuber ke through kiya jayega, jo RBI ka platform hai. Aur basically kya hai ki revenue ki kami hai, to ab they are going through this same ke baad jo securities usko bech ke paisa kamane ka tarika hai. To release of the state share tax devolution was as per the accepted recommendation of the फाइनेंस कमीशन, बट तेलंगाना सरकार का कहना है कि उन्हें उतने पैसे मिले नहीं है, प्लस आपको पता है जीएसटी कॉम्पनसेशन से दिया नहीं गया. उसमें भी बोला गया कि आप के पास ऑप्शन है कि आप बाकी उधार ले सकते हो. ओके. बाकी इंडियन नेवल शिप्स जो है आपकी, ये हिस्टोरिक विजिट ऑफ इंडियन नेवल शिप्स टू मोंगला इन बांग्लादेश. सो शिप्स विल मेक पार्ट ऑफ द स्वर्णिम विजय वर्ष जो कमोमरेट करेगा 50 इयर्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश. तो इंडियन इंडिजिनसली बिल्ड, इंडिया में बनी हुई है पेट्रोल वेसल सुमेधा एंड इंडिजिनसली बिल्ड गाइडेड मिसाइल कॉर्बेट कुलिश विल टेक पार्ट एट द मोंगला फ्रॉम March 8 to 10. सो एज यू नो कि अभी रिसेंटली इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी और उसी को कमरामरेट करने के लिए भेजा जा रहा है. सो दिस ऑल्सो मार्क्स द फर्म रिजॉल्व ऑफ सागर इनिशिएटिव दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी ऑफ इंडिया. बाकी ओनली हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स आंगनवाड़ीज हैव टैप वाटर, ये न्यूज आई है. दैट अगर आप देखें डेटा जो रिसेंटली रिलीज किया गया है, सिर्फ आधे स्कूलों में, आधा आंगनवाड़ीज में टैप वाटर अवेलेबिलिटी है. तो 100% कैंपेन चल रहा है 100% कवरेज का बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री इन अक्टूबर 2020. सो लेस देन 8% ऑफ स्कूल्स इन यूपी एंड 11% इन वेस्ट बंगाल हैव इट, बट इट इज अवेलेबल ओनली इन 2-6% ऑफ आंगनवाड़ीज इन असम. सो ओनली 48.5% ऑफ आंगनवाड़ीज एंड 53.3% ऑफ द पीपल हैड टैप वाटर सप्लाई. 7 states आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, इनको 100% कवरेज हो गया है, बट बाकी जगह राज्यों में देखेंगे अभी बहुत एफर्ट करने की जरूरत है. अभिषेक नहीं, पॉसिबल तो नहीं है हटाना. बाकी मध्य प्रदेश में देखेंगे, कंजर्वेशन वर्क स्टार्ट किया गया है सिंगोरगढ़ फोर्ट. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो थे ये गए थे ऑफिशियल विजिट पे, तो वहां पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है ले किया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सिंगोरगढ़ फोर्ट इन सिंग्रामपुर विलेज ऑफ दामो डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. सो ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड जबलपुर सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. रिसेंटली काफ़ी सारे रीजनल ऑफिसर्स बढ़ा दिए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के. एंड ही ऑल्सो एड्रेस द स्टेट लेवल ट्राइबल कॉन्फ्रेंस एट सिंग्रामपुर विलेज. तो ये जो सिंगोरगढ़ फोर्ट है इसके बारे में देख लेते हैं, हो सकता है आपके प्रीलिम्स में सवाल आ जाए इसको लेके. अरे भैया वैस क्लासेस अपनी कहीं और कराना है, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स,
सर एनसीईआरटी शॉर्ट नोट से कुछ नहीं होता, आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद नोट्स बनाए जाते हैं, बने बनाए नोट्स से ना कुछ पढ़ाई नहीं होती है, तो ये फालतू चीज़ें मत बताओ लोगों को, और आप भी पढ़ाई कर लो, आप भी आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, ऐसे बने बनाए नोट से कुछ होता नहीं है, ऐसे बने बनाए नोट से सिलेक्शन हो रहा होता तो सभी लोग सेलेक्ट हो गए होते, ऐसे नोट्स आर पर्सनल दैट हैज टू मेड बाय पीपल बाय यू नो देमसेल्फ, दे हैव टू रीड इट एंड दे हैव टू मेक देयर ओन नोट्स। सो ये जो पोर्ट, अगर फोर्ट जो आप देखोगे ये दिस इज सिचुएटेड इन दामो डिस्ट्रिक्ट, ये हिल फोर्ट थी गाड़ा किंगडम की, द फोर्ट इज स्प्रेड ओवर द हिल्स ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, इट इज लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है जबलपुर से, तो राजगोंड रूलर्स है सेंट्रल इंडिया के जिनके जो इनका रेजिडेंस हुआ करता था। सो इसमें एक पॉन्ड है, एक हिल टॉप प्रोवाइडेड वाटर टैंक है यहाँ पे, अंडर द रूल ऑफ रानी दुर्गावती इन द ईयर 1564 द फोर्ट वॉज अटैक्ड बाय द लास्ट वॉर ऑफ द गाड़ा किंगडम डायनेस्टी। बाकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है दे आर गोइंग टू टेक अप डील्स फॉर आर्म ड्रोन्स एंड सबमरीन्स, तो मल्टी बिलियन डॉलर डील साइन होने वाली फॉर ऑलमोस्ट 30 आर्म ड्रोन्स फ्रॉम द यूएस एंड 6 एडवांस सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75I लाइकली टू बी टेकन अप बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। सो दिस इज हेडेड बाय योर रक्षा मंत्री जी। सो इंडिया हैज बीन लुकिंग टू प्रोक्योर 30 आर्म ड्रोन्स 10 फॉर ईच सर्विस फ्रॉम द यूएस एंड द नेवी ऑल्सो हैज अ प्रेसिंग रिक्वायरमेंट फॉर द हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो ये जो है इसमें आपको याद होगा लास्ट ईयर लास्ट नवंबर में नेवी ने दो ड्रोन जो थे गार्डियन नाम ड्रोन्स थे इनको इन्होंने इंडक्ट किया था, दैट इज़ MQ-9BC गार्डियन नाम है इनका। तो सिमिलरली और भी ये लोग लेने वाले हैं, बाकी ये जो है 2+2 जो मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ था उसमें इसके बारे में बात की गई थी। सो इंडिया ने रिक्वायरमेंट सेट की, सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द एपिक्स बॉडी जो जितने भी डिफेंस परचेजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करती है, डिसीजन लेती है। टेलीग्राम आईडी है दीपांशु सिंह ऑफिशियल है टेलीग्राम चैनल, दीपांशु सिंह ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाइए आप, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं dsingh27 पे। अरे शहनाज बानो जी बिल्कुल कर सकते हो, 11th में पहले थोड़ा पढ़ाई तो कर लो, 12th तो क्लियर कर लो आप लोग आराम से पहले, अभी से क्यों टेंशन लेने लग जाते हो, जिंदगी में वैसे ही कम टेंशन है, 11th क्लास से UPSC तैयारी। अरे भाई 11th इंजॉय करो, स्कूल टाइम इज अ प्रेशियस टाइम टू एंजॉय योर लाइफ, ठीक है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन टेक अप, यू कैन डू सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मैं 11th-12th क्लास में मतलब पता नहीं क्या UN के डिबेट देता रहता था, करता रहता था, तो थोड़ा बहुत डोंट बी सो मच बॉग डाउन। अरे एक डेढ़ साल दो साल में आराम से प्रिपरेशन हो सकती है, 11th क्लास से क्या होता है पढ़ाई करना। बट हाँ न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो, एक बिल्डिंग होगी करंट अफेयर्स की, बेस बनेगा जो आगे जाके बहुत काम आएगा आपको, तो न्यूज़पेपर एनालिसिस अभी देखते रहो, जो ये यूट्यूब पे डेली क्लास चल रही है ना इसको देखो, और अभी जो आपकी NCERT बुक्स है उनको ढंग से पढ़ो, वो भी बेस बनाएगी। तो मैंने पहला आर्टिकल जो अभी आज का न्यूज़ स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था ना, एक जो कोट था कि बेस आपका जो हार्डवर्क रहेगा वो हमेशा बेस होगा ऑन वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, तो वो चीज़ कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ान स्कीम के अंदर जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान, उसके अंदर बरेली जो है पहली एयर जो है आप देखोगे फ्लाइट गई है दिल्ली टू बरेली, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें देखोगे आप बहुत सारे रीजनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे आपकी फ्लाइट्स रिसेंटली लॉन्च की गई हैं, तो ये जो छोटे वाले एयरक्राफ्ट होते हैं ATR-72 उसको लॉन्च किया गया, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे नई मतलब आप देखो मतलब इतना कन्वीनियंट हो जाएगा आपको फ्लाइट लेना, सो इम्पॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी इन हिंटरलैंड्स। बाकी विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने क्लासिफाई किया ऑल मेजर स्कीम्स अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेजर अम्ब्रेला के अंदर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ग्रुपिंग कर दी बेसिकली स्कीम्स की। सो बेसिकली मिशन पोषण 2.0, मिशन वत्सल्य एंड मिशन शक्ति। तो अगर आप लेटेस्ट सेंसस डेटा देखें तो विमेन एंड चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 67.7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, सो द एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एंड इंश्योरिंग देयर ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेरी क्रूशियल। सो इन दिस लाइन द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सीक्स टू इंश्योर द वेल नरिश्ड चिल्ड्रन ग्रोइंग इन द सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट। तो इन्होंने 3 अम्ब्रेला के अंदर मिशन जो है पोषण जो है 2.0 के अंदर आपकी न्यूट्रिशन स्कीम डाल दिया है, मिशन वत्सल्य बना दिया एक अम्ब्रेला, उसके अंदर मल्टीपल स्कीम्स डाल दिया है, बाकी नारी शक्ति मिशन शक्ति के अंदर एक आपकी स्कीम्स को डाल दिया गया है। सो डिलीवरी आउटरीच न्यूट्रिशन अलग अलग उनको कैटेगराइज कर दिया। उसके अलावा कायन एनर्जी जो है दे हैव विन नॉड फॉर US-UK अदर कोर्ट्स फॉर $1.4 बिलियन अवार्ड। सो कोर्ट्स इन 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग
US and UK have been given recognition to an arbitration award that asked India to return $1.4 billion to Kain Energy. तो आपको पता है ये जो dispute चल रहा था bilateral investment treaty को लेके, तो लगभग 9 courts में cases file किए थे, जिसमें से 5 courts ने बोला है कि India को $1.4 billion pay करने पड़ेंगे. So 3 member tribunal था at the permanent court of arbitration in the Netherlands has been recognized and confirmed by the courts in US, the UK, Netherlands, Canada. उसके अलावा फ्रांस में आप देखोगे अबाउट दिस इशू, और इन्होंने अलग अलग जगह केस फाइल किया था, सिंगापुर, जापान, यूएई, केमन आइलैंड्स. तो वहां से जो है मोस्टली इट हैज बीन इन द फेवर ऑफ केन एनर्जी लिमिटेड. बाकी ऑस्ट्रेलिया ने बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग इशू म्यांमार का जो मिलिट्री कू था, उन्होंने अभी तक डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं करी है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना डिफेंस कोऑपरेशन बंद कर दिया मिलिट्री के साथ. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूव, क्योंकि इससे म्यांमार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और ये जो म्यांमार कर रहा है ये बेसिकली चाइना के एक प्रेशर पे कर रहा है, बिकॉज उन्हें चाइना से चाहिए पैसा. सो दिस डिसीजन वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉलोइंग द मिलिट्री टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार एंड डिटेंशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इन म्यांमार. सो द ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड टू सस्पेंड इट्स डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम विद म्यांमार विच वॉज वर्थ 1.5 million Australian dollars. सो ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इम्पोज सैंक्शन लाइक आर्म्स, इन्होंने सैंक्शन लगा दिया, आर्म एम्बार्गो लगा दिया, टारगेटिंग सेवरल इंडिविजुअल्स फ्रॉम दी म्यांमार मिलिट्री, या म्यांमार जो कह सकते हो मिलिट्री उनका. बाकी एक न्यूज आई है कि क्योंकि अब ईरान से कोई तेल खरीद नहीं पा रहा था बिकॉज सैंक्शंस लगे थे, बट चाइना तो किसी की बात सुनता नहीं है, तो चाइना को सबसे ज्यादा तेल बेचा ईरान ने. अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि 17.8 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड जो है चाइना को ईरान ने बेचा इन द पास्ट 14 मंथ्स. इंडिया को लेने नहीं दिया उन्होंने, नहीं तो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत तेल ज्यादा मिल जाता. उसके अलावा JCPOA जो ईरान न्यूक्लियर डील है, उस पर फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहे हैं. अब वो देखा जाएगा कि कैसे होता है, क्योंकि अभी अलग 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 एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड द सैंक्शन कॉज्ड अ ड्रॉप इन ईरान्स एक्सपोर्ट टू चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया. अभी आपने देखा होगा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज ने डिसाइड किया कि प्रोडक्शन कट करेंगे, जिससे ऑयल की प्राइसेस और बढ़ेंगी. अभी बाकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में डेटा आया दैट ओवर 81% अकाउंट होल्डर्स आर विमेन. सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है आपकी, इसको 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे, स्पेशली वुमेन एससी एसटी जो कम्युनिटी के लोग हैं, तो इसमें 81% अगर आप देखोगे अकाउंट होल्डर जिनके वो ये पैसा गया है इसमें से, दैट इज फॉर वुमेन, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तो कल आपको बताया इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे नए प्रोग्राम लॉन्च किए गए, पुराने प्रोग्राम्स के बारे में डेटा आया. तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का भी डेटा इसमें आया है PIB में. सो 81% हैज बीन गिवन टू वुमेन होल्डर्स. सो द स्कीम वॉज लॉन्च, जिसमें जो लोन मिलता था वो रेंज करता था बिटवीन 10 lakh rupees टू 1 crore टू अ 1 scheduled कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड 1 women बोरोवर पर बैंक इन ब्रांच इन ऑर्डर टू सेटअप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, मतलब बिल्कुल नया प्रोजेक्ट. उसके अलावा आप देखोगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में भी डेटा आया दैट ये भी जो था आपका, आप देखोगे 8 अप्रैल को लॉन्च किया गया था 2015 में, तो इसमें आपके 3 अलग अलग लेवल के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण करके. सो इसमें आप देखोगे 68% और 19.04 crore अकाउंट्स हैव बीन सैंक्शन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो इसमें सारा जो डेटा आया है वो ये कन्फर्म करता है कि वुमेन अकाउंट होल्डर्स को या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कितना ज़्यादा फायदा पहुँचा इन स्कीम्स का. उसके बाद गूगल ने कल लॉन्च किया वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म on the occasion of International Women's Day. So the platform will provide its support to 1 million rural women in India. और सुंदर पिचाई ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था, ताकि जो जो ग्रास रूट लेवल पे जो रूरल एरियाज में महिलाएं हैं वो entrepreneurs बन पाएं. So this will, with the help of the accelerator program, business tutorial membership ये लोग कर पाएंगे. तो ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सेसिबल रहेगा, और गाइडेंस देगा आपकी जो एस्पायरिंग वुमेन entrepreneurs हैं रूरल इंडिया में इन सर्विसेज लाइक ब्यूटी सर्विसेज, टेलरिंग, होम ट्यूशन, छोटे मोटे जो काम है आपके, जिसको आप कह सकते हो कि लार्ज स्केल पे एक्सपैंड किया जा सकता है. सो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेज एंड प्रमोट द बिजनेस. इन द इनिशियल फेज द गूगल विल वर्क विद 2000 इंटरनेट साथीज इन ऑर्डर टू हेल्प दीज वुमेन entrepreneurs. लगभग दे हैव कमिटेड अ ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट $5 lakh से ज़्यादा का ग्रांट है जो NASSCOM फाउंडेशन को दिया जाएगा, एंड इसमें स्टेट्स लाइक हरियाणा, बिहार, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, इन सबको बेनिफिट पहुंचेगा. इसके अलावा google.org करके इम्पैक्ट चैलेंज फॉर वुमेन एंड गर्ल भी लॉन्च किया गया, एंड अंडर दिस गूगल विल ऑफर $25 million इन ग्रांट्स टू नॉन प्रॉफिट एंड सोशल एंटरप्राइजेज इन इंडिया. सो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गूगल लेके आ रहा है. दिस इज ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज उन्हें पता है कि इंडिया जो है अपने लॉ स्ट्रिक करने वाला है सोशल मीडिया को लेके,
और जितने भी आपकी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंटरनेट कंपनीज हैं, सो उन्हें भी तो दिखाना है कि देखो सर, हम आपकी कंट्री में इतना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, FDI लेके आ रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। बाकी दिल्ली का कल बजट प्रेजेंट किया गया, तो दिल्ली का पर कैपिटा इनकम जो है डिक्लाइन कर गया भाई 5.9%, एंड जो स्टेट GDP था वो भाई 3.92%। दिस मेजरली बिकॉज ऑफ कोविड। बाकी आप देखोगे 21-22 में एक शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट करें। हमें ऐसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट सिंस दिल्ली इज इंपॉर्टेंट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमेशा न्यूज में रहता है, तो स्टेट वाइज डेटा की जरूरत नहीं है, बट दिल्ली के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सो इकोनॉमिक सर्वे भी दिल्ली का टेबल किया गया, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक शार्प रिकवरी होगी 2021-22 में। बाकी सोनल मानसिंह जी जो है बहुत फेमस आपकी एक्सपोनेंट ऑफ आर्ट है, और आपने इनके बारे में आर्ट एंड कल्चर की क्लास में पढ़ा होगा। सो जो जीरो आवर था राज्यसभा का, उसको कल जो है सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व किया गया। कल महिलाओं को सिर्फ बोला गया, जो महिला मेंबर्स हैं वो लोग बोलेंगी। तो उन्होंने बोला लेट्स हैव अ इंटरनेशनल मेंस डे टू, ताकि जेंडर पैरिटी रहे। व्हाई शुड देयर ऑलवेज बी अ विमेंस डे? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो रिकोगनाइज द रोल प्लेड बाय मैन। सो वी डू टॉक, सो जेंडर, उन्होंने बोला जेंडर इक्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप जो दोनों को पैरिटी भी लेके नहीं आओगे। सो दैट वॉज अ गुड थिंग दैट शी सेड। ऑफकोर्स ये बात है, मैन को भी चाहिए ना इंटरनेशनल मेन्स डे। वैसे होता है एक इंटरनेशनल मेन्स डे, बट वो ऐसा इतने लार्ज लेवल पर सेलिब्रेट नहीं होता जितना आप देखोगे कि विमेंस डे का है इम्पोर्टेंस। तो शी हाईलाइटेड दैट। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, देर आर 5 थीम्स विच हैव बीन डिसाइडेड फॉर द 75th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम। तो आपको याद होगा इसके लिए प्लानिंग चल रही है, तो 5 मेजर थीम्स रहेंगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला कि इट शुड बी मार्क्ड एज अ फेस्टिवल विद द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ट्रिब्यूट टू मार्टियर्स बीइंग हाईलाइटेड। ही सेड दैट दिस फेस्टिवल शुड एम्बॉडी द ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी ऑफ सनातन भारत। सो सनातन भारत जो है उसको एम्फोसाइज करना है। इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ द सेजेस। जो ऋषि मुनि जो हमारे थे उनको इतनी नॉलेज थी उसको हाईलाइट करना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और टैलेंट जो है यंग रिसर्चर्स को, उनको हाईलाइट करना चाहिए। अचीवमेंट्स ऑफ देम ओवर द पास्ट 75 ईयर्स, देन वॉट सोल्यूशन दे आर ब्रिंगिंग फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, एंड ऑल्सो ऑफ लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स शुड बी पब्लिसाइज्ड स्टोरीज ऑफ देम। तो इसके अलावा और भी सजेशंस दिए जा सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कई सारे कमेटी मेंबर्स हैं, लाइक फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी हैं, SG देवेगौड़ा साहब हैं, नवीन पटनायक जी हैं, मीरा कुमार जी हैं, सुमित्रा महाजन जी हैं, JP नड्डा हैं। ये लोग सारे लोग इस कमेटी के मेंबर हैं जो डिसाइड करें किस थीम्स पे सेलिब्रेशन होना चाहिए। अरे भैया सुनील भैया 30 रुपये भी दे दो, क्या हो गया बुक के लिए? डिलीवरी लोकेशन एरियाज में, कुछ रिमोट एरियाज में नहीं जा पा रही होगी सर। वैसे ही सोचो आप, 400-450 की पेज की बुक है, 350 रुपये में मिल रही है, वो भी डिस्काउंट में 269 की मिल रही है। अब 30 रुपये के लिए, तो 30 रुपये तो ऐसे ही उड़ा देते हो आप लोग। अब उसमें देखो, मैं पब्लिशर कुछ नहीं कर सकता, वो अमेजोन की ही पॉलिसी है। कोई बात नहीं, आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, बात तो एक ही है, बुक आने से मतलब है, नहीं तो वहाँ लोकल स्टोर में मिल जाएगी। इट विल बी अवेलेबल इन द लोकल स्टोर ऑल्सो। तो जैसे मैंने बताया लास्ट में, इंदिरा साहनी केस जो है ये 1979 में एक सोशल सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको मंडल बोलते हैं, मंडल कमीशन सेटअप किया गया था। तो उसने 52% जो है आइडेंटिफाई की थी पॉपुलेशन दैट इज सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो उनके उसके बेसिस पर उन्होंने 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया था, इन एडिशन टू द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग 22.5 ऑफ SC and ST। तो इससे लगभग रिजर्वेशन आपका पहुंच गया 49.5 के आसपास, दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 50%। तो अब जो इंदिरा साहनी केस आया, उसने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करी। पहला था दैट द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन शुड बी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसके अलावा उन्होंने बोला कि ये 50% की लक्ष्मण रेखा आपकी रहेगी। और ये आपका जो था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1964 में, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसी को हाईलाइट करते हुए। सो क्योंकि ये किया गया इसलिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी मेंटेन रहे। सो द कोर्ट सेड दैट दिस 50% लिमिट विल अप्लाई अनलेस इट्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो ये 50% जो क्राइटेरिया है, इसको बोला जाता है कि कोई फिक्स रूल नहीं है, सैक्रोसैंक्ट नहीं, इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बेसिस पे आपके देखोगे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अलग अलग जो है केसेस आते रहे। चलिए तो आज के MCQs करते हैं फटाफट। दिस रिगार्डिंग दी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, सो इट एम्स टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑन अ सस्टेन बेसिस।
and organizations of central as well as state governments are eligible for assistance under the scheme. Today's GK UPSC क्या हो गया offline students? समझा नहीं मैं क्या कहना चाह रहे हो, बाकी लोग question का जवाब बताएं फटाफट. बाकी प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं न्यूज एनालिसिस. दिस न्यूज एनालिसिस इज हैपनिंग विदाउट फेल फ्रॉम ऑगस्ट, वेदर आई एम इन द हिमालयस, वेदर आई एम इन अंडमान, वेदर आई एम इन फॉरेन कंट्री और समवेयर एल्स, आई स्टिल टेक द क्लास फ्रॉम 10:15 जनरली, आज का 10:20 हो जाता है, फॉर 45 मिनट्स. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऑगस्ट से लेके आज तक और आने वाले समय तक जितना भी आपका न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स का इशू सारा सॉल्व हो जाएगा, उसके पहले के जो टॉपिक्स हैं उस पर आई विल बी टेकिंग अ स्पेशल क्लास. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू. सो मार्केट इन एक्सेस इनिशिएटिव जो है इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम एंड इट हैज टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू प्रमोट इन एक्सपोर्ट. एक्टिविटीज एलिजिबल है इसमें मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स में, कैपेसिटी बिल्डिंग, सपोर्ट फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपिंग फॉरन ट्रेड फैसिलिटेशन वेब पोर्टल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Eligible agencies and Department of Central Government, Organization of Central State Government, including Indian Mission Abroad, Export Promotion Council, etc., etc., etc. अरे भाई मेरा डॉग नहीं है, पड़ोसी का डॉग है, उसको परेशान करते हैं, मैंने कितनी बार बोला उसको बांध के रख देते हैं, मैंने बोला छोड़ो खेलने दो उसको, लेट पीपल बी फ्री, लेट देम एंजॉय फ्रीडम, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. एक्चुअली वो थोड़ा एग्रेसिव भी है डॉग जो है, सो दे आर ऑल्सो स्कैर्ड. एनीवे आपको किसी को काट वट ले तो पता चला लोगों को अलग दिक्कत हो जाए. खैर एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रेगुलेटिंग द डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड्स फॉर 3-लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट पब्लिशर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल. इट मैंडेट्स द कंटेंट टू बी सेल्फ क्लासिफाइड बाय द पब्लिशर इनटू एज बेस्ड कैटेगरीज. नितिन जी आज स्पेशल क्लास है 10:30 बजे इकोनॉमी की, सो टुनाइट एट 10:30 PM वी हैव एन MCQ क्लास ऑन इंडियन इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी से आपको डर लगता है, इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है तो वो जरूर अटेंड करेगा. इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड प्रीलिम्स क्वेश्चन है एंड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस है, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो रिवाइज करके आएगा मनी एंड बैंकिंग, RBI का चैप्टर जो है, GDP GNP का जो चैप्टर है उसको रिवाइज करके आइएगा. और जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे की अभी तक जितनी क्लासेस करा दी उसको रिवाइज करके आइएगा, तो उसमें से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं. तो जितने मैंने लेक्चर्स आपके करा दिए इकोनॉमिक सर्वे के उसको पढ़ के आइएगा. सो द करेक्ट आंसर इज बी, पहला वाला गलत है. ठीक है, सो 3-लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन पब्लिशर, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल नहीं है. ठीक है, बेसिकली हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट, जो ये लेवल है वो है सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर, एंड थर्ड इज ओवरसाइट मैकेनिज्म. तो सेंटर स्टेट का रिलेशन उसमें थोड़ा अलग है. बाकी सेल्फ रेगुलेशन आप कर सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म खुद क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टेंट. तो आज के लिए बस इतना ही. कॉम्बैट आपने 7 मार्च को दिया था, अगला जो है अगले संडे को जरूर दीजिएगा, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन गेट अमेजिंग प्राइजेस अपार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. अभी और भी टीम प्लान कर रही है प्राइजेस आपके लिए, तो सब्सक्रिप्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको इतनी रैंकिंग में आपकी रैंकिंग आई है. और अगर आप, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपकी डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लास देख रहे हो, कॉम्बैट के आधे से ज़्यादा सवाल आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो. आप में से बहुत सारे लोग खुद ही जानते होंगे चीज़ को. So I'll see you guys tonight at 10:30 PM. Telegram channel है दीपांशु सिंह ऑफिशियल, ये QR कोड स्कैन कर लो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर जाके आपको सिर्फ सर्च करना है दीपांशु सिंह ऑफिशियल. ठीक है, बाकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड इज DPS Live और Deep27, कोई सा भी आप ले सकते हो. DPS Live, Deep27 एक ही बात है. यू गेट माई पर्सनलाइज गाइडेंस एंड ऑल द टॉप एजुकेटर के कोर्सेज, एक सब्सक्रिप्शन सारे कोर्सेज. ऑप्शनल के लिए कंबाइंड आप ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे. सोशियोलॉजी अगेन बता रहा हूँ, पेपर 2 की क्लासेस आज से चालू हो गई हैं. शेड्यूल आपके एक ऐप में दिख जाएगा, आप लोग देख लीजिए 6:30 से 8:30 विदाउट फेल. पेपर 2 क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, सो आई विल सी यू गाइस देन. पॉलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 17th एंड अदर क्लासेस बाकी शाम को मिलेंगे हम लोग स्पेशल क्लासेस के लिए. थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.